नमस्कार साथियों, जय जय सीताराम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, सब स्वस्थ होंगे, सर्दी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। और अब हाइबरनेशन से बाहर आने का समय आ गया है, क्योंकि अब जो आज अपन एमपीपीएससी की परिचर्चा करेंगे, वैसे तो हर बार मेरी परिचर्चा में सकारात्मकताएँ आप लोगों के सामने विद्यमान रहती है, लेकिन आज अपन उन चीज़ों पर प्रैक्टिकली चर्चा करेंगे जो वास्तव में बहुत सारी सकारात्मक परिणामों को निकाल के हमारे सामने लेके आएगी। सबसे पहले तो न्यूज़ का हवाला कि भाई एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट अभी तक अटका है, 2000 मेंस रुका हुआ है, 3 साल से भर्ती नहीं हुई है, लेकिन ये जीरो ईयर घोषित करना नहीं चाहते हैं। 2022 की जो आगामी परीक्षा है उसको लेकर इसमें बताया कि लगभग 150 से प्लस अधिक भर्तियां उनके पास आ चुकी है, और अधिसूचना जो है 31 दिसंबर से पहले पहले आयोग जो है वो घोषित कर देगा। इस न्यूज़ से यही संभावना है, आप मान के चले कि जो मई में उन्होंने कैलेंडर में प्री की डेट दे रखी है, वहाँ वो प्री का एग्ज़ाम निश्चित रूप से करवाएंगे, मतलब निश्चित रूप से कराएंगे। 150 पद के लगभग पद तो अभी दिख ही रहे हैं इसमें, लेकिन मुझे ऐसी संभावनाएं लगती है कि ये 400 से 500 या उससे भी अधिक पद आगे जाके हो सकते हैं। चुनावी वर्ष है, रिक्तियाँ अभी बहुत सारे विभागों से आना बाकी है, और जब तक एमपीपीएससी प्री का रिजल्ट जारी नहीं हो जाता तब तक पदों में वृद्धि किया जाना संभव है। तो ये तो सबसे बढ़िया चीज़ हो गई कि 2022 का नोटिफिकेशन जो विद्यार्थी पहली बार एमपीपीएससी में एंटर होंगे या जो अगली प्री के हिसाब से पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया सकारात्मक खबर है। और इसके लिए भी GLCIS पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने क्या किया है कि आप लोगों के लिए एमपीपीएससी रामबाण कोर्स बनाया है प्री को लेके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे तो उनमें डर होता है, बहुत सारे विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास तक रीच नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये त्रुटि है कि वो 2 से 3 क्वेश्चन से हमेशा रुक के रह जाते हैं, तो 2 से 3 प्रश्नों से रुक जाते हैं, तो उन सारी समस्याओं का निराकरण मैंने इस एक पेड कोर्स में किया है। ये कोर्स 2 दिन बाद आपके एप्लीकेशन GLCIS MPPSC पर मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड आप लोगों ने प्ले स्टोर से कर लिया होगा, और ये कोर्स प्री की तैयारी में आपके लिए रामबाण जैसा नाम है वैसा साबित होगा, निश्चित रूप से असफलता का संहार कर देगा, सफलता आपके हाथ में लेके आएगा। बस ये है कि जिस तरीके से मैंने उस बेच में आपको कंप्लीट करने का तरीका बताया है, तौर तरीके बताए हैं, उस तरीके से आप अध्ययन जारी करें। ठीक है, ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। अब आगे अपन बढ़ते हैं कि भाई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का क्या होगा। तो वैसे तो संपूर्ण व्यवस्था को शनि ग्रह चक्र लग रहा था, एमपीपीएससी की राशि भी सिंह राशि है, मेरा इंटरेस्ट भी है ज्योतिष में थोड़ा, लेकिन शनि की दशा अब उतर रही है, और मुझे जहाँ तक संभावनाएं लगती है जनवरी से मार्च के बीच में आयोग परीक्षाओं से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं में लगभग लगभग आप मान के चले कि सारे समाधान कर देगा, लगभग लगभग सारे समाधान कर देगा। कौन कौन से समाधान कर देगा? सबसे पहले 2019 का निराकरण। तो आप ये मान के चलिए कि 2019 में याचिकाएं जो है लगभग लगभग निराकृत हो चुकी है, आगे जो भी ये निर्णय निकले, लेकिन सबसे पहले 2019 पे बहुत जल्दी अपडेट विद इन 2 वीक मुझे लगता है कि आयोग दे देगा, 2 सप्ताह के भीतर भीतर आयोग की तरफ से तो इस पे अपडेट आ जाएगा। इसलिए 2019 के जो विद्यार्थी हैं वो जिस भी स्तर पर जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वो आशान्वित रहें। 2020 मेंस जो है इसमें जो समस्या है वो जो OBC रिजर्वेशन है, ठीक है, अब चूंकि 87 और 13 के बेस पे उसका नया फार्मूला निकाल कर इन्होंने रिजल्ट घोषित किया, तो उस पर भी लगभग लगभग आप मान के चले कि 15 से 20 दिन के अंदर निराकरण आने की संभावनाएं है। फिर भी नहीं हो तो लास्ट डेडलाइन आप मान सकते कि मार्च तक। 2021 मेंस ये अलर्ट की घंटी है, यहाँ पे आप एक बात मान के चलिएगा, अभी तक आप लोगों ने 2021 मेंस की डेट के हिसाब से इसको सीरियस नहीं लिया तो हो सकता है कि ये आपके लिए हानिप्रद हो, संभव है परीक्षाएं आगे बढ़ जाएं, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम हैं कि 2021 का मेंस जो उन्होंने मार्च में अनाउंस किया है तब वो ना ले। पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, अभी तक आप मान के चलेगी 95% अबव पॉसिबिलिटी है कि वो लोग एग्जाम आपका जो डेट दिया उन्होंने मार्च में उसी डेट पर ले ले। 2021 मेंस के लिए भी 4 जनवरी से हमारी मेंस की नई टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जो बच्चे पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें नया टाइम टेबल मिल जाएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ज्वाइन नहीं की है वो ऑनलाइन इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में जो पार्ट वाइज और FLT सिस्टम है उस तरीके से आपके पास टेस्ट रहेंगे, और डेफिनेटली GLCIS की ऑनलाइन मेंस टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है, बशर्ते बच्चा उसका उपयोग सही तरीके से करे, टेस्ट टाइम पे लिखे। 2022 की प्रक्रिया तो देखिए,
जो 2022 में एंट्री कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए चारों एग्ज़ाम हैं, इनमें नियुक्तियां जो आएगी वो मुझे लगता है कि संभव है कि थोड़ा समय लगे उसमें, लेकिन इन सबकी नियुक्तियों में दो दो महीने के अंतर रहेंगे। सारी प्रक्रियाएं लगभग लगभग एक साथ पूरी हो जाएगी। चूँकि पिछले चार साल में हम लोग बहुत सारे कष्ट भोग चुके हैं, मतलब आप भी, टीचर्स भी, कोचिंग क्लासेस वाले भी, विद्यार्थी जो मेंस में है, जो मेंस फेल है, नया मेंस देना है, अगली प्री है, तो सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आई है। लेकिन अब सकारात्मकताओं का समय पूरा निकट आ चुका है, बुरा बुरा समय का बड़ा हिस्सा हम पूरा व्यतीत कर चुके हैं। आप जिस स्तर पर जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नेक्स्ट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, रीमेंस की तैयारी कर रहे हैं, 2021 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2022 की प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपका टारगेट है उस टारगेट को लेकर आप तैयारी शुरू कर दें। गुरुजी आपके साथ मौजूद हैं, अब लगातार आपको मेरे लाइव सेशन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये जो अपने प्री का कोर्स है, रामबाण कोर्स, ये आपको लेना है, अपने छोटे भाई बहनों को भी उनको सजेस्ट करना है। प्री के अंदर अगर आपको कोई भी समस्या है तो मेरे इस कोर्स को बेहतरीन तरीके से जो बच्चा घर पे अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि असफलता के रावण का दहन वो यहाँ पे कर सकता है। इसको कोई भावनाओं से संबंधित ना लेवे, ठीक है, सामान्यतः इसको लक्षणा शब्द शक्ति के रूप में काम लिया गया है। एक बहुत बढ़िया बेच साबित होगा आप लोगों के लिए, निश्चित रूप से आप लोग सफल बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और ये सारी समस्याएं मुझे लगता है कि मार्च जनवरी से मार्च के बीच में लगभग लगभग इनके समाधान पूर्ण रूप से आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।